सकते हैं यह बंसी स्मृति शिक्षक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024। आज की आखिरी रात सुपर एट की टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। हम देख सकते हैं ग्रामीण पैनल से जॉइंट 11 क्वालिफाई हो चुके हैं सुपर एट में, और ये आठवीं टीम मिल चुकी है सुपर एट में पहुंचने वाली। हेलो हेलो ट्रैक और टी शर्ट, सेम टी शर्ट कंपलसरी है सभी टीमों से आह्वान। अगर कोई टीम सेम टी शर्ट पहनकर नहीं आएगी तो हमारे कमेटी के माध्यम से डिसीजन लेंगे, वो आपको मान्य करना होगा, क्योंकि एक गांव एक संघ में हमने ये मैसेज डाला है। और आज की रात में जरूर 31 मार्च 2014 में एक गांव एक संघ की स्थापना की थी। आज की रात में हम स्कॉर्पियन के मैदान पर केक कटिंग करेंगे, 9 साढ़े 9 बजे केक कटिंग सेरेमनी भी होगी इसी प्रतियोगिता में। और 10 साल पूरे हुए हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के बाद जब से एक गांव एक फॉर्मेट की शुरुआत हुई। उसके बाद 2018 में पालघर तालुका बॉक्स के अशियन की नींव रखी गई। उसके बाद हम देख सकते 6 साल 10वें महीने में जरूर पूरे होंगे पालघर तालुका बॉक्स के अशियन को, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं दी जाएंगी। हमारे कॉम बॉक्स के माध्यम से हमारे पालघर तालुका अशियन के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे आज की रात में, और सभी के साथ जश्न मनाया जाएगा। आज कासिम शेख, आपका भी हार्दिक स्वागत। एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, हाल ही में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं फिलहाल में।
हेलो 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 यूसुफ भाई कंटिन्यू। हेलो हेलो ठीक जरूर, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था मनीष बोहिर को मौका मिला था, उसके बाद 28 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, उस मैच को जीता था मनीष बोहिर ने, उन्हें दिया है मौका। एक गेंद एक रन लगे स्कोर कार्ड पर, इस वक्त स्ट्राइक पर समर्थ लेफ्ट हैंड बैटर संदीप। हेलो 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 ठीक हेलो हल हल चिक हल 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 चिक जरूर देख सकते हैं, इस वक्त 4 रन लगे स्कोर कार्ड पर। पहली गेंद पर सिंगल, 2 वाइड गेंद, उसके बाद एक सिंगल, ये डॉट बॉल, 3 गेंदे 4 रन लगे स्कोर कार्ड पर। जड़ में रखा था, खोद कर निकाला, वहां पर रियान शेख कप्तान गेंद को फील्ड करते हुए। विष्णु डीजे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा काम डीजे ब्रदर्स प्रिंस और विष्णु के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। इस वक्त बड़ा शॉट खेलने की चाहत, और देख सकते हैं वहां पर क्या देखने को मिला, उंगली उठाई गई है और बॉक्स आउट के रूप में बैटर बैक छोड़ेगा आउट, पहला बड़ा छटका मनीष भोईर के रूप में। मनीष भोईर इस वक्त बैक छोड़ेगा आउट, और यहां पर पहली गेंद पर जीवन दान मिलने के बाद हम देख सकते हैं बड़े शॉट खेलने की चाहत में मैदान के बाहर। गेंदे की बात की जाए, गेंदे हो चुकी है 5-5 गेंदे, रन लगे स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं मात्र 1। सूरज यादव आपको मैदान के अंदर ही कैच करना है, ध्यान में रखिएगा प्लीज। इस वक्त नए बल्लेबाज अजय पाटिल, 6 ओवर के मैचेस हैं, पहला ओवर पगे दिवत पर 4 रन लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम मनीष भोईर इस वक्त बैक टू आउट। नए बल्लेबाज अजय पाटिल इस वक्त 30 क्रमांक पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। फील्डिंग की सजावट देख सकते हैं, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी को तैनात किया गया और 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर रखे। ओवर की हम देख सकते हैं आखिरी गेंद इस वक्त लेकर आएंगे विशाल आगरे। दर्शक काफी तादाद में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्रॉस बैट खेला गया, गेंद इस वक्त मैदान के बाहर होती फरार। आदरणीय सम्माननीय राजेश पाटिल के सम्मान में चौका आया, मगर अंपायर ने नो स्कोर का यहां पर दिया है शाहरुख शेख के माध्यम से, और नो स्कोर का कॉल। रिव्यू बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया, शाहरुख बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया। आइए समीर खान यहां पर प्लीज। तो अंपायर अपना फैसला मैदान के अंदर 10वें खिलाड़ी को भी दिखा चुके, अंपायर ऑन फील्ड आकर डिसीजन देंगे। 6 ओवर के मैचेस से हम देख सकते हैं आखिरी गेंद पर चौका जरूर आया था, अंपायर ने नो स्कोर लिया था और डीआरएस लिया था, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया था बैटिंग करने वाली टीम ने, और रिव्यू इस वक्त समाप्त होता हुआ नो स्कोर का कॉल। 1 ओवर देरी होंगे, टीम ड्रेस कोड में ही मैदान के अंदर खेलती नजर आएगी, ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजर टीम हो या फिर मेहमान टीम, सभी के लिए कॉल होगा जरूर। फटाखों की आतिशबाजियां हो रही है, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानी राजेश पाटिल सर का आगमन थोड़ी क्षण में होगा, पालघर लोकसभा आमदार इनका थोड़ी क्षण में आगमन होगा हमारे इस प्रतियोगिता में। इस वक्त ऑन साइड पे कारपेट द्वारा खेल दिया, वहां पर विशाल आगरे हम देख सकते हैं गेंद को फील्ड करते हुए, जिस तरह से कुश्ती खेलते हैं ना पहलवान उस तरह से गेंद को फील्ड किया गया। रवि झा सर आप हमारे मंच पर बैठे, प्लीज हमारे आप अतिथि हैं, और प्री क्वार्टर में इनकी टीम खेलती नजर आती, एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, काफी कम क्रिकेट खेलते मगर जब भी खेलते मैदान के अंदर तहलका मचा देते हैं।
छोटी गेंद ऑन साइड, फिर से एक बार खेला, विशाल आगरे गेंद को फील्ड करेंगे जब तक थ्रो किया गया, और यहां पर देख सकते हैं विकेट का पतन, आकाश बैक छोड़ा आउट, रनआउट के रूप में इस वक्त दूसरा झटका इस ओवर में दिया गया। तीन विकेट आए हैं, रनों की बात की जा मात्र 6 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। यह आज फैंसी ड्रेस भी देखने को मिलने वाला है हमें, और देख सकते हैं कुछ अलग तरह के मास्टर्स भी घूम रहे हैं। 6 पर 3 नए बल्लेबाज कप्तान इस वक्त मैदान के अंदर हम देख सकते हैं बिगेश भोईर, और इस वक्त देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में काफी पीछे रह गए बल्लेबाज आकाश, बढ़िया थ्रो वहां पर, संदीप कनौजिया की प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा, मात्र गेंद को गैदर किया, हल्के सिस्टम पर लगाया और विकेट का पतन देखने को मिलता है। गेंदों की बात की जाए, गेंदें हो चुकी 4, रनों की बात की जाए, रन लगे हैं मात्र 6 स्कोर कार्ड पर, 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करी। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, निखिल मिस्त्री थोड़ा सा रास्ता दीजिए, हमारे मेहमान वहां पर आ रहे हैं, थोड़ा सा वहां पर रास्ता क्लियर कर दीजिए दर्शक। ओहो क्या बेहतरीन गेंद, पीछे से डंडा इस वक्त उखाड़ दिया और देख सकते हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय पालघर लोकसभा आमदार राजू जी पाटिल सर का आगमन होता हुआ, पटाखों की आतिशबाजी के साथ स्कॉर्पियन जरूर देख सकते हैं हम हमारे बीच पालघर लोकसभा आमदार आदरणीय सम्माननीय राजू जी पाटिल सर का आगमन होता हुआ। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत होगा, साथ ही साथ माफ कीजिएगा, जरूर देख सकते हैं शिवसेना उपनेति आदरणीय सम्माननीय राजेश भाई शाह इनका आगमन होता, साथ ही साथ हम देख सकते हैं साजिद खान सर का आगमन होता हुआ, साथ ही साथ हम देख सकते हैं पालघर युवा सेना अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय सौरभ अप्पा इनका आगमन होता हुआ, साथ ही साथ हम देख सकते हैं तो वेलकम आप सभी महामानव का हार्दिक स्वागत एक सुर संगीत के साथ। डीसी मास्टर देख सकते हैं हम विकेटों की पतझड़ इस वक्त माइकोप टीम के लिए, उन्हीं के बीच में हमारे मेहमानों का आगमन होता हुआ, शिष्यन उपनेते आदरणीय सम्मान्य राजेश भाई शाह पालघर जिला अध्यक्ष युवा सेना अपन हम देख सकते हैं सौरभ अप्पा, साथ ही साथ अवधु सिंह सर का भी आगमन होता हुआ, साजिद खान सर भी पहुंच चुके हैं, सभी का स्कॉर्पियन टूर्नामेंट बंसी स्मृति चषक 2024 में हार्दिक स्वागत होगा। दूसरे और प्रगतिवत पर है हमारे मेहमानों के लिए जानकारी के लिए, ये पहला क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है, एक तरफ माइकोप केलवे की टीम तो एक तरफ हम देख सकते हैं पैराडाइज बॉयज की टीम। नंदन सिंह यहां से पूरा पैसेज खाली करवा दीजिए हमारे मेहमानों के लिए प्लीज। नए बल्लेबाज कुणाल किनी ऑन स्ट्राइक, रिहान शेख गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो यहां पर यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, गोल्ड अंडर का शिकार बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसती भी, और हमारे इस वक्त देख सकते जो टॉय बॉय हैं इस वक्त निराश हताश बल्लेबाज को मैदान के बाहर लेके जाते हुए चेयर कर रहे हैं पैराडाइज टीम के लिए। 5 विकेट मात्र 6 रन लगे स्कोर कार्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दैट इज धन्यवाद, इसे धन्यवाद
6 रन पर 5 विकेट। हम देख सकते हैं हमारे बिकेश भोईर का बल्ला लिया है हमारे टॉय बॉय ने और उनका स्वागत कर रहे हैं नए बल्लेबाज सार्थक 9 स्ट्राइक पर हैं। 2 ओवर आलम आलम यहां से जो पब्लिक खड़ी हुई हमारे लेफ्ट साइड में सभी को हटा दीजिए प्लीज। नो स्कोर अंपायर दर्शाते हुए नो स्कोर खेला जा रहा है। देख सकते हैं शू का 2 जरूर लगा गया था नो स्कोर के साथ कोई रन नहीं। नो स्कोर पर ओवर थ्रू के रन आते वो इंक्लूड किए जाएंगे। ये नियम है पालघर तालुका स्टेडियम के माध्यम से। अगर नो स्कोर कोई बल्लेबाज खेलता है खिलाड़ी रनआउट की चाहत में गेंद को थ्रो करता है वो एक्स्ट्रा जो ओवर थ्रो के रन वो इंक्लूड किए जाएंगे। ध्यान में रखना है आप लोगों को सभी टीम से गुजार। कभी कभी बेसिक चीजें सभी खिलाड़ी भूल जाते हैं एक्साइटेड की आवाक में ज्यादा तेजी से गेंद को थ्रो करते कल हमने देखा था। हल्के बल्ले से खेल दिया कप्तान नीलेश मिश्रा इस वक्त गेंद को फील्ड करने में चूके जरूर। 1 रन बटोरा 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 7। दूसरा ओवर पर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। तो पिछला जो नो स्कोर मारा गया था हम देख सकते हैं बिगेश के माध्यम से कैमरामैन अच्छा काम कर रहे हैं और बारीकी से हम देख सकते हैं बल्लेबाज की बॉडी पोजिशन दिखा रहे सुरेश यादव अच्छा काम करते हैं इस वक्त वंदे स्पोर्ट्स के माध्यम से। मुन्ना जयसवाल धीरज गुप्ता कौस्तुभ मिश्रा विपिन मेहता ऑफ फ्रंट के बाहर। ये तीसरी वाइड गेंद डाली है विशाल आगरे ने। पहले ओवर में 2 वाइड गेंदें डाली थी इस ओवर में 1 गेंद वाइड डाली है। उसको कार्ड जा पहुंचा 8। और बढ़िया गेंद सरप्राइजिंग डिलीवरी और इस वक्त समर्थ को पूरी तरह से बीट किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं टॉस जीता था कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और कप्तान मैदान के अंदर आए और पहली ओवर डाली और बड़े बड़े विकेट उन्होंने चटकाए हैं। और फिर से एक बार बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त हल्के बल्ले से खेल दिया। देख सकते हैं वहां पर मुबारक शाह गेंद को फील्ड करेंगे। 1 सिंगल बटोरा स्कोर के साथ 9 अंकों पर। अभी भी आखिरी गेंद का खिलाना बाकी होगा। फुल टॉस बॉल ऑन साइड पर गेंद को खेला गया। देख सकते हैं कोई रन नहीं डॉट बॉल। ओवर नंबर समाप्त होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 के औसत से मात्र लगे 9। 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। कैमरामैन हमारे मंच पर जरूर लीजिएगा विपिन मेहता हमारे मेहमान मैच का आनंद ले रहे हैं। हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर आदरणीय सम्माननीय शिवसेना उपनेते राजेश भाई शाह मैच का आनंद लेते हुए साथ ही साथ युवा सेना पालघर जिला अध्यक्ष सौरभ जी अप्पा सर और साथ साथ साजिन खास साहब भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हम देख सकते हैं और अवधू सिंह सर भी हैं। अवधू सिंह सर के बारे में मैंने कहा था कि 100 सोनार की और 1 सरदार की ऐसे एक बेहतरीन व्यक्ति मत अवधू सर भी हमारे साथ जुड़े हुए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। तो फिलहाल हमारे मंच पर हम स्वागत के लिए चलेंगे हमें मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। मैं पहले गुजारिश करूंगा कैलाश खत्री इनसे मैं गुजारिश कैलाश भाई आइए हम हमारे व्यक्तिमत्व का स्वागत करेंगे। अनुज मौर्या ऑफिशियल कैमरामैन कहीं पर हुए तुरंत आइए। अनुज मौर्या कैमरामैन शिवसेना उपनेते आदरणीय सम्माननीय राजीव भाई शाह इनका स्वागत किया जाएगा। कैलाश भाई खत्री इनके शुभ हाथों से प्यार भरी शॉल दी जाएगी उसके बाद हम देखेंगे प्यार भरे पुष्पगुच्छ दिए जाएंगे उसके बाद सम्मान चिन्ह भी इस प्रतियोगिता की याद एक सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। राजेश भाई शाह तालियां जरूर बजनी चाहिए। राजेश भाई शाह अपना कीमती वक्त लेकर पहुंचे हमारे मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भाई शाह आप आए और हमारे टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा पालघर बेहतरीन एक व्यक्तिमत्व काफी कम उम्र में हम देख सकते सभी के दिलों में धड़कन बन चुके हैं पालघर युवा सेना अध्यक्ष आदरणीय सम्मान इनका सम्मान किया जाएगा। कमलेश जी यादव इनके शुभ हाथों से सौरभ अप्पा इनका सम्मान किया जाएगा।
डैशिंग पर्सनैलिटी है, मगर ज्यादा कुछ चेहरे पर अभाव नहीं रहते, मगर जब भी बातें करते हैं काफी बेहतरीन और सभी को प्रेरित करने वाले ये बातें करते हैं। पुष्प गुच्छ और सम्मान चिन्ह दिया जाएगा और ये सम्मानित किए जा रहे हैं सौरभ अप्पा। उसके बाद मैं सम्मानित करना चाहूंगा, जरूर हमारे काफी चहेते दो बार में मिल चुके हैं, हमारे दिल में बस चुके हैं, अवधूत सिंह साहब, आपका सम्मान रवि झा इनके शुभ हाथों से किया जाएगा। रवि भाई के हाथों से अवधूत सिंह सर का सम्मान करेंगे। जरूर सर नवीन कमेटी है थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, अवधूत सिंह सर का सम्मान रवि झा सर के शुभ हाथों से। और रवि झा सर की बात भी की जाए तो एक बड़े व्यक्तिमत्व हैं। और एक और सम्मान होगा, साजिद खान साहब का सम्मान किया जाएगा। मैं गुजर का दुर्गेश सिंह आई, आपके शुभ हाथों से सम्मान किया जाएगा साजिद खान सर का। साजिद खान सर का ये स्वागत जरूर, मैच इंपॉर्टेंट चल रहा है मगर मेहमानों का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, ये स्वागत किया जाए। साजिद भाई का स्वागत दुर्गेश सिंह इनकी शुरुआत से। हम देख सकते हैं दोनों के फ्रेम में एक ही चेहरा है और एक ही बॉडी लैंग्वेज है, दोनों ही देख सकते हैं हम, साजिद भाई और दुर्गेश भाई। जरूर मैच इंपॉर्टेंट है मगर मैं जरूर सौरभ अप्पा साहब से कहूँगा, सौरभ अप्पा साहब दोन शब्द स्पष्ट सांगायचं, कारण की अपन पाहिलं ज्यांनी खूप क्रिकेट खेळलं बन्सी याच्या माध्यमातून स्पर्धा ठेवली गेली स्कॉर्पियनच्या माध्यमातून, दोन शब्द स्पर्धेच्या माध्यम सांगायचं। बन्सी स्मृती चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 या ठिकाणी आलेल्या सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांच्या मनापासून या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय या पालघर जिल्ह्याचा बुलंद आवाज, शिवसेनेचे उपनेता आदरणीय राजेशभाई शहा व आमच्या सर्व युवा सेनेची टीम या ठिकाणी आज तिथे आहे। आणि खऱ्या अर्थाने कितवा वर्ष आहे, कितवा साल, सातव्या वर्षी पदार्पण करत या ठिकाणी स्कॉर्पियो टूर्नामेंटचं आयोजन केलं, त्यांना सुद्धा उपस्थित खेळाडूंना देखील शुभेच्छा देतो। सर्वांनी प्रेमामध्ये आणि कार्यक्रम यशस्वी करावा एवढंच शुभेच्छा, धन्यवाद। खूप धन्यवाद सगळ्या मान्यवरांचा, आपण बसून सामन्याचा आनंद घ्यायचा। आपण वळ प्रतिदा कॉमेंट्री बॉक्स कडे, तिकडे सामना खूप सुरेख रंगलाय, धन्यवाद। चलेंगे मैदान के अंदर, इस एक बार रेहान गेंदबाजी के लिए बेहतरीन गेंद, इस वक्त संदेश मैदान के बाहर, कप्तान इस वक्त चला है सीना तान, रेहान शेख क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक बात की जाए रेहान ने विकेट चटका है इस प्रतियोगिता में, हम देख सकते हैं 5 विकेट 5 पर पूरे किए हैं और 5 विकेट चटकाने वाले अंडर बॉक्स विकेट में रेहान शेख के नाम 5 विकेट। नए बल्लेबाज विशाल आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है, आखिरी विकेट इस वक्त मैदान के अंदर। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा, एक तरफ साई गणेश सातपाटी और एक तरफ साई दत्त धनसार, बोथ ऑफ कैप्टन्स, आपके लिए टॉस के लिए आना है। क्या गेंदबाजी की गई, मात्र 15 पर रोका गया, 7 विकेट चटका चुके, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। इस वक्त सीधे बल्ले से खेल दिया, रन ने कोई प्रयास नहीं किया, ओवर नंबर समाप्त होते हुए 4, 2 ओवर डाले हैं, 2 ओवर में रन खर्च किए। रेहान शेख की बात की जाए, मात्र 8 रन खर्च किए, 5 विकेट चटकाए। रेहान शेख की गेंदबाजी अगर पसंद, तालियां जरूर बजनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी की गई रेहान शेख के माध्यम से। और विशाल आगरे ने 2 ओवर डाले हैं, रेहान ने 2 ओवर डाले हैं, इस वक्त देख सकते हैं 1 विकेट विशाल के नाम है, 5 विकेट रेहान के नाम। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। साई दत्त धनसार और सातपाटी ए, साई गणेश सातपाटी ए, बोथ ऑफ कैप्टन्स, प्लीज टॉस के लिए आइए। जब ही रहे गेंद की गेंदबाजी के लिए खिलाड़ी वहां पर निशान पवार आए, मगर गेंद को एक सिंगल। जरूर संदीप कनौजिया की बात की जाए, खेलते हुए इंजरी काफी बड़ी हुई है, मगर टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में, बड़े मैच में युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, उनकी जगह जरूर
संदीप कनुजा इंडियन एक्शन नजर आ रहे हैं, मगर अय्यू की बात की जब बेहतरीन अपकमिंग यंग स्टार हैं और एक सिंगल हल्के बल्ले से खेल दिया, एक रन बटोरना चाहेंगे, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 18। इस वक्त बड़ा शॉट खेलने के चाहत, गेंद घूमती भाई, जब तक सोहेल ने गेंद को फील्ड किया एक तेजी से रन बटोर लिया गया। यहां से अगर बात की जाए आने वाली गेंदों की तो 8 गेंदों का खेल बाकी, 8 सिंगल भी आते हैं तो 27-28 रन तक स्कोर कार्ड पहुंच सकता है। अच्छा बैटल देखने को मिलेगा क्योंकि गेंदबाजी बढ़िया है मार्कअप टीम के पास। बढ़िया शॉट, गैप में गेंद, खराब फील्डिंग, चौका आता हुआ। इस वक्त ये चौके की खास दरकार थी मार्कअप टीम को, समर्थ के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत चौका मिस फील्ड के माध्यम से, किस्मत का चौका जरूर देखने को मिला। 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड बचा 23-23। साई गणेश सातपाड़ी टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए प्लीज। साई गणेश सातपाड़ी टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए। फुल टॉस बॉल, ऑफ के ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल अंपायर ने दर्शाया, स्कोर कार्ड बचा 24। मैंने कहा ना कि आने वाली जो 8 गेंदे उसमें 8-10 मिनट आते हैं, 24 अभी भी इनिंग के 7 गेंदों का खेल बाकी है। इस एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सोहेल गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस। 24 पर ऑल डाउन, मार्कअप टीम ने 8 विकेट गवाए हैं 24 अंकों पर। 25 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए, 25 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए हम देख सकते हैं। और 24 पर 8, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा साई गणेश सातपाड़ी टीम के कप्तान, आखिरी ऑफिशियल कौन, इनिंग ब्रेक में टॉस करना ध्यान में रखिएगा, साई गणेश सातपाड़ी। जरिए देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में डायरेक्ट हिट सोहेल शेख के माध्यम से, 25 रनों का लक्ष्य रखा गया इस मैच को जीतने के लिए। आज की रात में हम एक बड़ी सेरेमनी मनाने वाले इस प्रतियोगिता में, जो 10 साल पूरे हुए एक गांव एक जो फॉर्मेट रखा गया 2014 में इस फॉर्मेट की शुरुआत की गई, देखते देखते 10 साल पहुंच चुके हैं आगे। पहले बहुत क्रिकेट खेला जाता था मगर सर्कल बाउंड्री, एक नाइट वन नाइट फिनिश या फिर अनलिमिटेड टीमें खेलती नजर आती, मगर जब एक फॉर्मेट आया वहां से 32 टीमों का जो फॉर्मेट शुरुआत हुआ, क्रिकेट को एक अलग लय मिली। उसके बाद 2018 में हमने देखा पालघर तालुका बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई, वहां से एक अलग लय और मिली क्रिकेट बॉक्स क्रिकेट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई शाह, आप हमारे पास पहुंचे, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सर्वप आपका भी और हमारे खास दिल में जुड़े हुए अधु सिंह सर, हाजी सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर पहुंचे। साजिद खान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक पहुंचे, और आपकी विदाई के लिए हम हमारे पास एंटीक जो पीस है आपके साथ पहुंचते हुए पीछे पीछे गौतम के साथ आपको विदाई देने के लिए। और 24 पर 8 इनिंग समाप्त होती हुई, चलिए साई गणेश सातपाड़ी दुर्गेश सिंह सर साई गणेश सातपाड़ी टीम के लिए कॉल कीजिए प्लीज। राजेश यादव कहीं पर भी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। धन्यवाद, चलिए मैच की शुरुआत की जाए। अंपायर समीर खान मैच की शुरुआत करें, आलम मैच शुरुआत करनी प्लीज, आएंगे तब हम फटाके लगाएंगे। जरा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट मैच जो होगा सुपर 8 का सेकंड क्वार्टर फाइनल, धीरज गुप्ता माँ भवानी स्पोर्ट्स और वंदी स्पोर्ट्स के माध्यम से ग्राफिक काफी बेहतरीन बनाए गए। एक तरफ कप्तान नजर आएंगे प्रतीक और एक तरफ दिवेश पाटिल,
एक तरफ साई दंत भंसार, एक तरफ साई गणेश सातपाड़ी, दोनों ही टीमों के नाम साई का नाम लगाया गया और अच्छी शुरुआत की आशंकाएं होंगी। और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे बीच आते हुए 1978 इस वक्त ये प्रतिदा हो चुकी है, पटाखे की आतिशबाजी जरूर हो रही है, हम देख सकते हैं इस वक्त। धन्यवाद धन्यवाद विष्णु, धन्यवाद विष्णु। तो जरूर हम देख सकते हैं पालघर लोकसभा आमदार आदरणीय सम्मान्य राजेश भाई राजेश सर पटेल, इनका पटेल साहब का आगमन होता। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत होगा। विष्णु थोड़ा आवाज खोलिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं पालघर पंचायत समिति सदस्य आदरणीय सम्मान्य अनिल जी रावते सर के साथ हम देख सकते हैं बोईसर ग्राम पंचायत सदस्य राजू जी करवे सर, इनका आगमन होता हुआ। और सभी हमारे जो मेहमान आए सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हुए। तो देख सकते हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर पहुंचे, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय यादव सर, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। बेहतरीन शख्सियत है, अच्छा सपोर्ट हम देख सकते हैं स्कॉर्पियन टूर्नामेंट को, हमेशा उनका रहता है स्कॉर्पियन टीम के लिए। और साई गणेश सातपाड़ी संघर्ष शेवटचा अंतिम कॉल आहे, इनिंग ब्रेक झालेली आहे टॉस साठी, या ही दक्षता आपण घ्या। प्रत्येक संघाला आपण वेळ दिला होता, वेळेच्या अनुषंगाने टॉस करणार, पावणे नऊ झालेले आहेत, ही दक्षता। साई गणेश सातपाडी संघ पालघर उपजिल्हाध्यक्ष आदरणीय सन्मान्य विश्वनाथजी घर सभा सुद्धा आगमन झालं, वेलकम सर, आपला सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल। बोले मैदानाच्या आतमध्ये तिकडे सामना रंगला गेला, एका बाजूला पाहू शकाल मायकोप असंघ, तर एका बाजूला पॅराडाईस बोईसर। छह ओवर के मैचेस हैं, छह ओवर में हम देख सकते हैं 25 रनों का लक्ष्य नहीं गया। पहले बोले कराएंगे कप्तान इस वक्त बिकेश भोईर, स्ट्राइक पर जबीर खान बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद फुल टॉस, पहली गेंद फुल टॉस थी, मगर यहां पर धीमी शुरुआत की है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया और एक सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की है। सूझबूझ भरी वाली शुरुआत की है, बड़े शॉट के चाहत में नहीं गई, लालच दी की थी गेंदबाज द्वारा, मगर उस लालच के पल्ले नहीं पड़े, हल्के बल्ले से एक सिंगल खेला। विशाल आगरे इस वक्त स्ट्राइक पर, सलामी जोड़ी को चेंज किया गया, हम देख सकते हैं इस मैच में पिछले दो मैचों में सोहेल शेख आए थे। छोटी गेंद करारा प्रहार, गेंद मैदान के बाहर होती फरार, इस वक्त रन मिलेंगे चार, स्कोर कार्ड जा बचा पांच अंकों पर। धनबाडी से देख सकते हैं हम थोड़े से आगे खड़े हुए थे विशाल पाटिल, इसी का खामियाजा लगे, टीम को भुगतना पड़ा, चार रन का खामियाजा भुगतना पड़ा, रन जा पहुंचे पांच, यहां से बनाने 20। इस एक बार दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर पहुंचते, इसके पहले गेंद डिक्लेयर में ट्रैवल होती, एक रन के लिए स्कोर कार्ड जा पहुंचा छह। एक गेंद एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जबीर खान, दो गेंदे पांच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त विशाल आगरे, यहां से बना रहे हैं हम देख सकते हैं 33 गेंदों में मात्र 19 रनों का लक्ष्य होगा। नेक्स्ट पे गेंद को रखा गया था, फ्लिक कर दिया कलाई के सामने से, एक रन इसको कार्ड जा बचा सात, सेवन लॉस ऑफ जीरो विकेट।
जरूर वहां गेंद को थ्रो किया गया था, बिकेश के जोड़ पर अगर गेंद लगी है। 7 पर कोई विकेट नहीं, 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ पहला क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ। साई गणेश सतपड़ी टीम के कप्तान। और इस वक्त हम देख सकते हैं पार्टनरशिप करने का प्रयास था, गेंद आई है बिंदी, ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ, 1 ओवर की समाप्ति का रन लगा देख सकते हैं 8। हम चलेंगे टॉस की तरफ, यहां से प्लीज बाजू में हो जाइए, प्लीज सभी से गुजर यहां से हट जाइए। राजेश यादव कहीं पर भी हो तुरंत आइए, राजेश यादव मंटू करूंगा इस वक्त। नेक्स्ट मैच जो खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल, एक तरफ साई गणेश सतपाटी ए और एक तरफ साई दंसार में गुजारिश करूंगा। पारगर लोकसभा आमदार आदरणीय सम्मान्य राजेश पाटिल सर आइए, आपके शुभ से हम टॉस करेंगे। टॉस करना आहोत या एका बाजूला पाहू शकाल पालघर जिल्ह्यामधला सगळ्यात मोठा गाव म्हणजे सातपाडी संघाचा संघनायक आहे, आणि एका बाजूला त्याच बाजूचा असणारा गाव धनसार संघाचा खेळाडू संघनायक धनसार आणि सातपाडी। टेलचा कॉल केला गेला आणि हिट शायद धनसार नाणेफेकचा कॉल जिंकलाय। धन्यवाद सर आपण विराज म्हणून आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल। राजेश सर या भविष्यकाल एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी, प्रत्येक वेळा क्रिकेटला सपोर्ट असणारे आणि पॅडे संघाचे अजून सुद्धा भविष्यकाल आमचे अध्यक्ष आहेत राजूजी कर्वे साहेबांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। तर टॉस तुम्ही जिंकला, निर्णय सांगायचा फक्त क्षेत्ररक्षण दोस्तों जास्त बल घेणार नाही, 6 षटकांचा सामनाही लक्षात घ्या। तर सर आपण बसून घ्यायचंय, आपण बोलूया आमच्या सन्मानाकडे, साहेबांचा सन्मान करून घेऊया। मी विनंती करेल अजयजी यादव आमचे सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या शुभस्थ सन्मान करायचे, शाही सन्मान विनंतीशील सगळ्यांनी स्थळांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे। आपण पाहू शकाल पालघर लोकसभा आमदार आदरणीय सन्माननीय राजेशभाई पटेल पाटील यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर। अजय यादव साहेबांच्या शुभ हस्ते यावेळेस पाहू शकाल हा सन्मान केला जात आहे, आणि आपण पाहू शकाल पुष्पगुच्छ प्रेमाची शॉल आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा सन्मान केला जात आहे। राजेश भाई करवीर यांचा सुद्धा सन्मान असणार आहे। पाहू शकाल राजू करवीर हा फक्त नाव नाही राहिलाय, ब्रँड झालेला आहे। तर दादा या आपला सुद्धा सन्मान असणार आहे, श्रीराम भैया यांच्या शुभस्थ सन्मान। पाहू शकाल श्रीराम भैया यांच्या शुभस्थ सन्मान केला जाईल राजू करवीर साहेबांचा। श्रीराम भैया आई आपल्या हाती सन्मान किया जाय। सन्मानित केला जात आहे तर भविष्यकाल पुष्पगुच्छ सन्मान जातात आणि हे सन्मानित केले जातील भविष्यकाल राजूभाई करवी यांचा सन्मान। त्यानंतर आधुनिक सन्मान असणार आहे भविष्यकाल पालघर पंचायत समिती सदस्य आदरणीय सन्मान्य अनिलजी रावते साहेबांचा सन्मान विनेगर राजेशभाई यांच्या शुभस्थ केला जाईल। अनिल भाऊ या अनिल दादा आपला सुद्धा सन्मान मुख्य व्यासपीठ केला जाईल। अनिल साहेबांचा सन्मान मुख्य व्यासपीठ केला जातो, भविष्यकाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह दिला जाईल। सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान करतोय आपण भविष्यकाल अनिल रावते सर। आपण भविष्यकाल क्रिकेटच्या प्रती खूप प्रेम आहे, राजूभाई कर्वे असतील अनिल भाऊ रावते असतील यांना। त्यानंतर जर आपण भविष्यकाल सन्मान्य विश्वनाथजी घरत साहेबांचा सन्मान असणार आहे, साहेब विनंती करेल कमलेश यादव यांच्या शुभस्थ सन्मान करूया। कमलेश यादव या विश्वनाथजी घरे साहेबांचा सन्मान मुख्य व्यासपीठ केला जाईल। विश्वनाथ दादा या आपण भविष्यकाल हा सन्मान मुख्य व्यासपीठ केला जातोय। लगेच भविष्यकाल या जनता आधुनिक सन्मान असणार आहे। आपण भविष्यकाल बहुजन विकास आघाडी अध्यक्ष अध्यक्ष प्रसाद पराब साहेबांचा सन्मान असणार आहे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर। साहेब आपल्या सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल, मी विनंती करेल या सन्मानासाठी
साहब या प्रसाद पराल साहब या अपने शुभ हस्ते रवि साहब शुभ हस्ते सन्मान असणार आहे. प्रसाद पराल साहब भविष्य काळला त्यांचा सन्मान हा सन्मान आपण भविष्य काळ केला जातोय. रवि झा यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातो. भविष्यकाल भविष्य ग्राम पंचायत माजी सदस्य आदरणीय सन्मान्य राजूभाई जाधव यांचा जर सन्मान असणार विनंतीकर अजय यादव यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. भविष्यकाल हा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. राजूभाई जाधव एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी, प्रत्येक वेळी पुढाकार घेणारे असे व्यक्तिमत्व. भविष्यकाल बहुजन विकाडी बहुजन विकास आघाडी शहर अध्यक्ष आहे, त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. सामना खूप सुरेख रंगला मैदानाच्या आत मध्ये पर्यंत आमच्या पाहुण्यांचा सत्कार करणं सुद्धा गरजेचं आहे. आपण भविष्यकाल मी विनंती करेल राजेश सर दोन शब्द या स्पर्धेच्या माध्यमातून सांगायचं, कारण की या स्पर्धेची गोष्ट केली तर सातवं वर्ष आहे आणि भविष्यकाल या मैदानामध्ये फक्त चार दिवसामध्ये मैदान परिपूर्ण केलं गेलंय. बन्सी स्मृती चषक स्कॉर्पियन टुर्नामेंट अशी स्पर्धा भविष्यकाल. बन्सी स्मृती चषक स्कॉर्पियन टूर्नामेंट 2024 आपण इथे बघतोय. अंडरग्राउंड क्रिकेटच्या स्पर्धा या आयोजित केलेल्या आहेत आणि या मॅच साठी मला आयोजकांनी बोलवलं. या कार्यक्रमासाठी माझ्यासोबत आलेले बोईसर विधानसभा संघटक राजू करवीर, आदिवासी युवा सेल आदिवासी विभागाचे प्रसाद पराड, बोईसर शहर अध्यक्ष यादव, माजी पंचायत समिती सदस्य अनिल रावते, त्याचप्रमाणे बोईसर विधानसभा बहुजन विकास आघाडीचे उपाध्यक्ष विश्वनाथ घरत, आमचे कार्यकर्ते अजय लालपती, अजय यादव, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित सर्व खेळाडू बंधू आणि क्रिकेट प्रेमी. खरं म्हणजे क्रिकेटला एक चांगले दिवस आपण सर्वांमुळे आलेले आहेत आणि क्रिकेटचं फिवर अतिशय वेगाने संपूर्ण भारतामध्ये पसरलंय. आज आपण बघतोय टेनिस क्रिकेट मध्ये ओव्हरआर्म असेल अंडरआर्म असेल, आज भविष्यामध्ये ही अंडरआर्म स्पर्धा आहे, गेली तीन दिवस चालू आहे. खरं म्हणजे इथे फार काही मोठं ग्राउंड नसल्यामुळे या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा किंवा क्रिकेट खेळल्याशिवाय पर्याय नाही. एकंदरीत हे असलेलं हे चित्र आहे आणि आपली भविष्याची लोकसंख्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे, परंतु त्याच्या बाबतीमध्ये पूर्वीपासून फारसं नियोजन क्रिकेटसाठी क्रिकेटच्या खेळासाठी मैदानासाठी उपलब्ध नसल्यामुळे अशी खेळाडूंवर परिस्थिती आली आलेली आहे. तरीसुद्धा या पंचक्रोशीतील सगळे खेळाडू क्रिकेटवर प्रेम करणारे भले अंडरग्राउंड का असे ना, परंतु अतिशय चांगल्या पद्धतीने आनंद घेऊन खेळतात. आता सातपाटी आणि घनसाऱ्याचा टॉस झाला म्हणजे खूप लांबून संघ इथे क्रिकेट खेळायला येतात आणि भविष्य एक मोठं शहर आहे आणि राजूभाई या शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक त्रुटी आहेत आणि त्या पूर्ण करायच्या म्हटल्या तरी सामूहिकरित्या याच्यावर एक चांगलं काम करणं आवश्यक आहे. विकास करण्याच्या दृष्टिकोनात आपण विचार केला तर फक्त रस्ते बनवले पाणी दिले लाईट लावली म्हणजे नाही, तर शारीरिक विकास जो समृद्ध झाला पाहिजे त्याच्यासाठी आणि खूप साऱ्या गोष्टी, कारण इथे पॉप्युलेशन एवढं मोठ्या वाढलेलं आहे की त्याला ग्रामपंचायत लेवलला विकास करणं हे अजिबात शक्य नाही. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये इथे एखादी नगरपालिका असणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण शेवटी एक ग्रामपंचायतची एक मर्यादा असते, त्या मर्यादेमध्ये राहून ग्रामपंचायतीचे जे अधिकार असते आहेत, कारण ग्रामपंचायत गावासाठी असते. भविष्य हे गाव राहिलंच नाही, आता हे शहर झालं. आज संपूर्ण
भारतातन लोक इथे काम धंद्यासाठी आले, मोठी इंडस्ट्री इथे आहे, तर लवकरात लवकर इथे ह्या बोईसरसाठी बोईसरवासियांसाठी एखादी नगरपालिका आपल्याला पाहावी लागेल. त्याच्यासाठी योग्य तो प्रयत्न आम्ही माझ्या लेवल एक या बोईसर विधानसभेचा आमदार आहे ना त्या निश्चित करेन. परंतु हे सगळं बोलत करत असताना आज जो खेळ म्हणून आपण ते खेळतोय हा महत्त्वाचा आहे. आणि कितीतरी तरुण मंडळी इथे हा खेळ खेळायला आलेत, बघायला आलेले आहेत आणि आनंद घेतात. हा आनंद असाच वाढत राहील, वाढू द्या एवढंच ज्या निमित्ताने सांगतो. आणि खेळाच्या दृष्टिकोनातून माझ्याकडून काही जे अपेक्षित असेल, प्रेरित असेल, जे काय आवश्यक असलेली गोष्ट करण्यासाठी जी मला आपल्याकडनं हे असेल साथ असेल तर निश्चितच मी ते आपल्यासाठी सदैव उपस्थित आहे एवढं सांगतो आणि थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. सर तुम्हाला सांगू इच्छितो आपण पाहिलं तर खूप वर्षावर क्रिकेट खेळत आहेत परंतु आज 10 वर्ष आले अंडर बॉक्स क्रिकेट एक गाव संघाला. थोड्या क्षणामध्ये आपण केक कटिंग सुद्धा करणार होतो इकडे 10 वाजता आणि आम्ही पालघर तालुका बॉक्स बनवली 2018 पासून आणि नियमांच्या अनुसार बॉक्स क्रिकेट होतं आणि पूर्ण शिस्तबद्ध आहेत. प्रत्येक संघाला वेळ आहे, प्रत्येक संघाला नियम आहेत. कुठल्याही संघाला पाहू शकाल, प्रत्येक संघ जर वेळेच्या वर्ष खेळला नाही त्या संघाला आम्ही 1 वर्ष बॅन सुद्धा करतो. नियम आहेत आणि या नियमानुसार प्रत्येक संघ प्रत्येक खेळाडू घडतोय आणि पालघर तालुक्यात क्रिकेट खूप वरती गेले अंडर बॉक्स क्रिकेट असं तुम्हाला सांगतो. आणि 10 वाजता आपण नक्कीच पाहू शकाल क्रिकेट कटिंग सेरेमनी आहे याच मैदानामध्ये. आणि तब्बल पाहिलं पालघर तालुक्यात 80 संघ आहेत, त्यामध्ये फक्त 32 संघांना एंट्री देतो. अशा प्रकारे 80 संघ आहेत परंतु 32 संघच खेळतात एक गाव एक फॉर्मॅट मध्ये. नक्कीच एक अजून सन्मान राहिलाय आपण विनंती सन्माननीय नितीन चौधरी सर आपला सुद्धा एक सन्मान असेल. प्लीज या सर आपला सुद्धा एक छोटा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. मी विनंती करेल सचिन यादव या सचिन आपल्या शुभ हस्ते सन्मान करू घ्या. नितीन साहेब या नक्कीच एक सन्मान राहिलं होतं नक्कीच समक्ष असणार आमच्या कमिटीच्या माध्यमातून नितीन साहेबांचा सन्मान. नितीन साहेब सन्मानच्या मुख्य व्यासपीठावर सचिनजी यादव या स्पर्धेचे कॅशियर आहेत. खूप मोठी जिम्मेदारी सचिनच्या अंगावर आहे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. आणि ताण्यांच्या गतामध्ये नितीन साहेब स्वागत केलं गेलं. तर आपण बोलूया यावेळेस नक्की अजून एक सन्मान असेल आमच्या नक्की सन्मान झाला. आपण बोलूया मैदानाकडे तिकडे सामना खूप रंगतदार आहे. ओव्हर टू राजेश यादव कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. चलेंगे मैदान के अंदर हम देख सकते हैं काफी बढ़िया मैच चल रहा है. काटे की टक्कर 25 रन डिफेंड करने मगर लगातार डोमिनेट किया गया. जबीर मैदान के अंदर हैं, उनकी बल्ले से अभी तक रन आए हैं. हम देख सकते हैं 6-7 गेंदें खेली है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संदीप कनौजिया, विशाल आगरे मैदान के बाहर है. उसके बाद हम देख सकते हैं निशांत पवार, सोहेल शेख और निलेश मिश्रा बैक टू डगआउट. निशांत पवार और सोहेल शेख शून्य पर आउट हुए. देख सकते हैं विशाल गेंदबाजी के लिए है संदीप स्ट्राइक पर. यावेळेस सलके बल्ले से खेला गया रनने का प्रयास, इंजरी है और एक रन बटोरा गया. एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जब बचा 19 यहां से बनाने मात्र 6 रनों का लक्ष्य होगा. गेंदों की बात की जाए, गेंदें हो चुकी अभी तक 3 रन आए हैं इस ओवर में. 2 सिंगल 1 वाइड 1 विकेट इस तरह की गेंदबाजी की गई है. हम देख सकते हैं विशाल पाटिल द्वारा फील्डिंग देख सकते हैं सजाई गई. बिकेश भोईर काफी आगे अटैकिंग फील्ड हम देख सकते बिकेश भोईर के माध्यम से लगाई गई. सर एक मिनट मैच रोकना है प्लीज. समीर खान हमारे मेहमान हमसे विदा लेते, बहुत बहुत शुक्रिया. विश्वनाथ गरज सर, अनिल जी रावते सर, राजू जी करवे सर, राजू यादव सर आपका भी शुक्रिया और राजू जी पाटिल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका कीमती वक्त निकाल कर पहुंचे हमारे इस प्रतियोगिता में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जरूर मैदान के अंदर पहुंचेंगे, हमारे खिलाड़ियों से मुलाकात की जाएगी. पैराडाइज टीम इस वक्त मैदान के अंदर खेल रही है. परीक्षित जी ठाकुर इनकी टीम है. राजेश सर आपको जानकारी दे दूं, तो रामदास साहब के लिए ताले जरूर बजने चाहिए. सभी पब्लिक से हम गुजारिश करेंगे रामदास साहब बल्लेबाजी करेंगे
और अजय यादव गेंदबाजी करेंगे, अजय यादव गेंदबाजी की जाएगी अजय यादव द्वारा, सामाजिक कार्य करते हैं अजय इस वक्त, ऑफ साइड में गेंद को खेला है, वहां पर अच्छे फील्डर गेंद को फील्ड भी कर रहे हैं गोलिया। तो दो गेंदे खेल चुके, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, अजय भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विनती को मान देकर आप यहां पर पहुंचे। देख सकते हैं जबीर की तरफ हमारे जो मास्टर हैं एंटीक आज के दिन में पहुंच चुके हैं। तो विकेटों की बात की जाए, चार विकेट गवा चुके हैं, रनों की बात की जाए, रन लगे उसके कार पर 19। यहां से अगर बात की जाए आने वाली गेंदों की, तो आने वाली गेंदें होंगी अभी तक इस इनिंग में 15-15 गेंदे 6 रन बनाने, जो टीम जीतेगी सुपर फोर में इस वक्त क्वालिफाई करी। अनिस खान इस वक्त मैच का आनंद काफी एंजॉय कर रहे हैं, अनिस खान भी इस वक्त इस मैच के लिए। तो मैच की होती हुई शुरुआत हम देखते हैं फील्डिंग लगाने का प्रयास की, अटैकिंग फील्ड लगाई जा रही है इस वक्त, सेमी राउंड पर खिलाड़ी को तैनात किया गया, देख सकते हैं शॉट फाइंडिंग पर खिलाड़ी तैनात किया गया, शॉट पॉइंट ऊपर रखा गया, डीप कवर में खिलाड़ी डीप में, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया, डीप विकेट पर खिलाड़ी रखा गया बाउंड्री के नजदीक, और डीप लॉन्ग ऑन डीप में रखा गया, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई, ऑन साइड पर चार, और यहां पर क्लीन बोल्ट, क्लीन बोल्ट, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, यहां पर देखने को पांचवा झटका जबीर खान के रूप में, मैच ऑन इस वक्त माइकोप टीम के लिए, 14 गेंदे बनाने इस मैच को जीतने के लिए, अभी भी 6 रन, 14 गेंदे 6 बनाने इस मैच को जीतने के लिए, देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज, अगर इस मैच को जीतना तो ऑल आउट करना होगा, अभी भी 14 गेंदे 6 बनाने, 8 विकेट गवा चुकी है माइकोप टीम, 5 विकेट गवा चुकी है पैराडाइज, चले बैट्समैन तुरंत आई पैराडाइज टीम, ज्यादा वक्त ना ले, और वहां पर जो दर्शक खड़े हुए एंट्री गेट से बाजू में हो जाए प्लीज, वॉलेंटियर्स दाऊ जो एंट्री में दर्शक वहां से हटा दीजिए प्लीज, मुबारक शाह इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आएंगे, 6 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए, 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम, विशाल पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मात्र 6 रन का लक्ष्य, आने वाली 14 गेंदे, क्या मैच बना हुआ, 6 ओवर की मैच है, 25 रन चेस कर रहे थे, मगर पैराडाइज टीम की बल्लेबाज भी इस वक्त लड़खड़ाती, विकेट की कमाल है हम कह सकते, जो विकेट बनाई गई काफी मेहनत ली गई है, विकेट गेंदबाजों को रास आ रही है आज के दिन में, देख सकते हैं इस वक्त, और देख सकते हैं डांसिंग आउटफील्ड है, मगर यहां पर विकेट काफी काबिल तारीफ, जो हमारे पीछे दर्शक खड़े प्लीज थोड़ा सा, अंपायर मैच चालू नहीं करना है, मैच चालू नहीं करना, ओके मैच स्टॉप होगा, यहाँ पे जो दर्शक खड़े प्लीज यहाँ जाए प्लीज, चलिए यहाँ पे जो दर्शक खड़े हुए सिर्फ 10वां खिलाड़ी यहाँ पर होगा, टॉय आई यहाँ पे सबको हटा दीजिए प्लीज, चलिए सिर्फ 10वें खिलाड़ी यहाँ पर होगा, यहाँ पे कोई दर्शक ना खड़ा करें, तो चलेंगे फिर से एक बार मैदान के अंदर विशाल पाटिल गेंदबाजी के लिए, हल्के बल्ले से पुश किया, कोई रन लेने का प्रयास नहीं, अभी भी एक गेंद का खिलाना बाकी होगा, 5 गेंदे हो चुकी हैं इस वक्त, चौथा ओवर पगे पथ पर है, रनों की बात की जा, रन लगे मात्र 19 इस वक्त, ये बाहर वाइट बॉल, एक्स्ट्रा गेंद डाली गई, वाइट बॉल आती हुई 20 पर जा बच्चे, यहां से बनाने 5, अपने गोटे का दूसरा बढ़ा रहे हैं विशाल इस वक्त, बेहतरीन खूबसूरत सेट किया गया, गति का सही इस्तेमाल बल्लेबाज ने किया, इसको कार्य पहुंचा 21, यहां से बनाने 4, आने वाले गेंदों की बात की जाए 12 गेंदे 4 रनों का लक्ष्य होगा, 21 रन के स्कोर कार्ड पर 4 रन बनाने, 5 विकेट गवा चुकी है टीम, 25 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए, विशाल ने भी 4 विकेट चटकाए हैं इस मैच में, तो नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए, चलिए मैच शुरू करें अंपायर्स,
राजेश यादव कहीं पर भी तुरंत आइए राजेश यादव। तो चलेंगे मैदान के अंदर, 12 गेंदे बनाने चार इस मैच को जीतने के लिए, 12 गेंदे चार इस मैच को जीतने के लिए क्या जद्दोजहद इस वक्त समर्थ बटर गेंदबाजी के लिए। बटर आएंगे लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाज हैं। चलिए मैच शुरू करें अंपायर्स। हेलो हेलो चिक तो 12 गेंदे बनाने चार इस वक्त समर्थ गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर मुबारक शाह, बेहतरीन शॉट इस मैच को, क्या फिनिश मुबारक शाह, वाह क्या चौका बटोरा है और इस मैच को फिनिश किया, इस मैच को जीत लिया पैराडाइज बॉक्सर ने। पहली टीम क्वालिफाई होती हुई सुपर फोर में इस मैच को मैन ऑफ द मैच, नो डाउट। दोनों टीमें हैंडशेक करके बाहर जाइए प्लीज।